कन्या से पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद आज समाप्त हो सकता है। बहुत लंबे अंतराल के बाद दुर्गे रिश्तेदारों से संपर्क पुनः स्थापित होगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली और प्रसन्नतापूर्ण वातावरण बनेगा। नजदीकी पारिवारिक सदस्यों में आपस में सहमति बनेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी आज आप भाग्यशाली साबित होंगे। शारीरिक तौर पर आज आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो ऐसी संभावना नहीं है या बहुत कम है। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में दिन संपूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक रूप से लाभ है, गतिविधियाँ होती रहेगी। आपके कार्यों का आशा के अनुसार परिणाम मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के कार्यों की ऊपरी अधिकारी के द्वारा प्रशंसा हो सकती है। सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को प्रमोशन मिल सकता है या मनोवांछित ट्रांसफर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में बहुत ही अच्छा सुधार होगा। शेयर बाजार में निवेश के लिए भी दिन अनुकूल और सकारात्मक है। आज निवेश करने से आपको धन लाभ हो ऐसी संभावना ज्यादा है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ निवेश करें। आवश्यकता से ज्यादा आर्थिक क्योंकि लाभ उठाए। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन विचलित साबित हो सकता है। शिक्षा और अभ्यास के क्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर रहेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में क्लेश और वातावरण की वजह से आज आपको अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, शिक्षा और अभ्यास से जुड़े हुए कार्यों को पूरे करने में ज्यादा समय लग सकता है। आत्मविश्वास में और एकाग्रता में कुछ हद तक कमी रह सकती है। महिला वर्ग के लिए दिन सभी मुद्दों पर सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, धन लाभ होगा। नजदीकी पारिवारिक सदस्यों से जुड़े हुए शुभ समाचार मिलेंगे। नौकरी व्यवसाय में सक्रिय महिलाओं की जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती है। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भी लगभग सभी मुद्दे पर दिन सकारात्मक रहेगा। कुल मिलाकर मीन राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन अति शुभ रहेगा।